हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं एंड अपना अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने अपने विशेज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है, आप सभी का फेवरेट टॉपिक है जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो गॉडेस इकार्टिक के ऊपर है और न्यू मून आ चुका है। 14 एंड 15 ऑफ सितंबर को न्यू मून है, दोनों ही दिन पड़ रहा है। अब दोनों दिन में से किस दिन आपको करना है तो जिस दिन आपको सही लगे, क्योंकि 14 सितंबर को 9:30 बजे से आप कर सकते हो कोई भी रिचुअल जो आपको न्यू मून से रिलेटेड करना हो। एंड 15 सितंबर को आप कभी भी कर सकते हो, मतलब क्योंकि 15 सितंबर को पूरा दिन और रात में 12 बजे के बाद बाद ख़त्म हो जाएगा न्यू मून। तो आप देख लेना आप जिस दिन करना चाहो, क्योंकि 9:30 बजे के बाद अगर करते हो 14 तारीख को तो आपको पूरा न्यू मून का इफ़ेक्ट मिलेगा और पूरी एनर्जी मिलेगी आपको। तो आप देख लेना, आप जिस दिन कंफर्टेबल रहो उस दिन कर सकते हो। और चलिए आज की वीडियो में बताती हूँ कि इस न्यू मून को आपको क्या करना है। और इसी न्यू मून को नहीं, हर न्यू मून को आपको गॉडेस हेकाटे का रिचुअल करना ही करना है, क्योंकि ये न्यू मून की देवी हैं और उस दिन आप जो भी इनसे मांग दो वो मिलना ही मिलना है। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही चीज़ें हो जाएँ। बट बहुत लोगों ने सक्सेस स्टोरी शेयर किया है कि फ़र्स्ट टाइम में ही उनकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपके साथ भी अगर गॉडेस इकार्टिक फर्स्ट टाइम में ही कनेक्ट हो जाती हैं तो डेफिनेटली आप भी अपनी विश को इंस्टेंट तुरंत का तुरंत मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये आपके लक के ऊपर है, आप जितना ही पॉजिटिव रह के किसी भी गॉडेस से, किसी भी एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो वो लोग भी अपना प्रेजेंस शो करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि करना क्या है न्यू मून को, इस बार कौन सा रिचुअल करना है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मस्ट है। क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे डेली का अपडेट आपको समय पर नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर मिलते हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की वीडियो, एंजल नंबर मीनिंग, बटरफ्लाई मीनिंग, फेदर मीनिंग एंड बहुत सारे मंत्रों की चैंटिंग और गॉडेस का रिचुअल, ऐसे भी बहुत सारे रिचुअल हैं, मेडिटेशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो वीडियो आपको लगे कि आपके लिए है आप इसके साथ काम कर सकते हैं एंड उस वीडियो के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इस न्यू मून को आपने क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं लाती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, करना नहीं हो पाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि वही प्रेयर, वही टेक्निक या रिचुअल ला सकूँ जो आप लोगों को करने में बहुत ज़्यादा आसान लगे, आप लोगों को टेंशन ना हो कि ये चीज़ मैं कहाँ से लाऊँगा या लाऊँगी। तो ये वाली रिचुअल भी बिल्कुल उसी तरह से आपको करनी है कि न्यू मून के दिन आपको, अच्छा न्यू मून के दिन जब भी आप गॉडेस हेकाटे की प्रेयर करते हैं या उनसे कनेक्ट होते हैं, उन्हें इन्वोक करते हैं या फिर उनका स्विच वर्ड चैंट करते हैं, आप जो भी कर रहे हो, उनको ऑफरिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि मतलब लेट नाइट में करो, बहुत ज़्यादा जल्दी आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जितनी ही रात में आप जाओगे ना ये उतनी ही जल्दी कनेक्ट होती हैं। तो अब कहाँ जाने की बात की है मैंने, ये तो आप देख लेना, बहुत सारी वीडियो है जिसमें मैंने शेयर किया है इनके बारे में। मैं बताते बताते थक जाती हूँ लेकिन आप लोग सुनते सुनते नहीं थकते हो, रिक्वेस्ट उतना ही भर भर के आता है एंड बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी आते हैं, बहुत खुशी होती है। सच में ये गॉडेस बहुत मिरेकुलस हैं। तो आपको क्या करना है न्यू मून के दिन रात में, लेट नाइट यानी 10 बजे तक, 10 से 11 बजे के बीच आपको गॉडेस हेकाटे की ले लेनी है। जिन लोगों के पास नहीं है उन्हें बताना चाहूँगी, आपको एक नई चाबी खरीदनी होती है, बिल्कुल न्यू, जिसे आपने कभी यूज़ ना किया हो, तो उस चाबी को ले लेनी है एंड किसी शांत वातावरण में बैठ जाना है जहाँ भी कोई आपको टोके ना, कोई देखे ना, कोई ये ना सोचे कि कर क्या रहे हैं आप। एंड आपको अगर आपको लगता है कि उस जगह पे नेगेटिविटी है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे धूप जला सकते हैं या कोई भी परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं ताकि वहाँ का वातावरण पॉजिटिव हो जाए। इतना करने के बाद आपको वहाँ एक आसन लगा लेना है और उसके ऊपर बैठ जाना है, जैसे हम ध्यान करते हैं नॉर्मल सा, 5 से 7 बार नॉर्मल आप लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ी देर के लिए नाभि के पास होल्ड करना होता है, ताकि आपके माइंड में, आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट चल रहे हों
वो क्लीन हो जाए, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाए। इतना करने के बाद आपको वो की अपने हाथों में लेनी है एंड गॉडेस इकट्ठ को विजुलाइज करना है। आप उनकी पॉजिटिव वाली इमेज को विजुलाइज करें, ना कि आप गुस्से वाला चेहरा देख के उसे विजुलाइज कर लें उसके बाद डर जाएं। तो मैंने डाला हुआ है, जो भी इमेज आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती है उसे देखिए और उसे देखते हुए ही विजुलाइज कीजिए इनके स्वरूप को। एंड इनकी सवारी ड्रैगन है, तो जब भी आप इन्हें विजुलाइज करें तो इनको विजुलाइज करने से पहले ड्रैगन को विजुलाइज करें और उसका स्वीट शॉट चैंट ज़रूर करें। उसके बाद इन्हें आप इन्वॉक करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होती हैं। तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में ड्रैगन स्विच वर्ड और मदर हिकाटी स्विच वर्ड दोनों ही चैंट कर लेते हैं। 108 बार ड्रैगन स्विच वर्ड एंड 108 बार मदर हिकाटी स्विच वर्ड। स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, ड्रैगन magic begin now, dragon 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 magic begin now,
ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ 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 ड्रैगन मैजिक बिगिन
नाउ ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ। अब हम गॉडेस हेकाटे स्विच वर्ड चैंट करेंगे और उन्हें विजुलाइज करते हुए फील कीजिए कि वो आपसे कनेक्ट हो रही हैं। हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ 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 हेकाटे मैजिक
बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ अब फील कीजिए कि आपकी की से गॉडेस हेकाटे की एनर्जी पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है और इसी समय आप अपने विश को बोल दीजिए। आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी विश आपको पूरी करनी है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको ख़त्म करने हैं, उस प्रॉब्लम को डिटेल में बताइए
हे माँ, हे गॉडेस हिकाटे माँ, मुझे इस मुसीबत से जल्दी से निकालिए। मेरी यही विनती है। अगर आप कोई विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉडेस हिकाटे माँ, आपने मेरी विश इतनी जल्दी फुलफिल कर दी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ऐसा बोल के फील करके और उनकी एनर्जी को बस कट कर देना है। एनर्जी कैसे कट करना है, आपको विजुलाइज करना है कि उनकी जितनी भी पावर है, उनके की में जितनी भी पावर है, वो सारी पावर, वो सारी शक्तियाँ आपके की में आ चुकी है और अब वो जो लाइट है उसे कट कर चुके हो आप। आप इस दौरान ऑफरिंग भी दे सकते हो या फिर प्रॉमिस कर सकते हो कि ए माँ, आप मेरी विश को जल्दी से पूरी कीजिए और मैं आपको ये चीज़ ऑफ़र करूँगा, ये ऑफ़र करूँगी। इस तरह से बोल के बस आपकी प्रेयर डन हो चुकी है और इससे अच्छी प्रेयर हो ही नहीं सकती। इसे न्यू मून को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और इतना शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों के बारे में आप शेयर करते हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जितना ही लोग इनके बारे में जानते हैं। शेयर करो और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू।